रोहतक शहर का पार्किंग घोटाला पार्ट टू। जी हाँ, आज हम बताएंगे कि कैसे चंद व्यापारी सरकारी जमीन के मालिक बन बैठे और करोड़ों रुपए डकार गए। पार्किंग स्थल पर पैसा वसूल रहे लोगों से पूछताछ में शौरी मार्केट प्रधान राजकुमार सहगल का नाम सामने आ रहा है, जबकि हुड्डा विभाग जिसकी यह जमीन है वह इस पेड पार्किंग से अनजान है और पैसा वसूलने वालों के खिलाफ कड़ी पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। उधर नगर निगम मेयर रेणु डाबला ने भी पार्किंग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बेशक जमीन पर निगम का अधिकार नहीं है, लेकिन मेयर होने के नाते इस करोड़ों के गठबंजाले के खिलाफ वह जनहित में निगम की ओर से कार्रवाई हेतु पत्र लिख चुकी हैं। अब पता नहीं पार्किंग के पीछे कौन सा लालच और कौन सी ताकत काम कर रही है कि कार्रवाई करने में बड़े बड़े अधिकारी भी लाचार दिख रहे हैं। चल रही है पार्किंग, ये बताया जा रहा है कि अवैध है और ये जो नगर निगम से अथॉरिटी नहीं है इसकी, तो इस बारे में क्या कहेंगे? मार्केट की तरफ से चल रहा भैया। कौन सी मार्केट की तरफ से? कौन है इसका जो प्रधान? राजकुमार सहगल की तरफ से। राजकुमार सहगल कौन है? ये प्रधान है मार्केट। मार्केट का कुछ ने अथॉरिटी दी हुई आपको? हाँ, नगर निगम से नहीं है। नहीं, निगम। क्या नाम है आपका? मेरा विकास। ठीक है रेम जी, भिवानी स्टैंड के पास सॉरी मार्केट के पास ही एक अवैध पार्किंग चल रही है जिसका कोई नगर निगम रोहतक कोई टेंडर है उसका? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी वो नगर निगम की तो जगह है ही नहीं, वो हुडा के अंडर आती है जगह। और पहले कम से कम 5-6 महीने पहले हमने हाउस की मीटिंग में भी उठाया था ये, भाई जितनी भी अवैध पार्किंग है उन पे कंट्रोल किया जाए और पूछा जाए भाई कौन बंदे और किस किस शहर पे इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने फिर जवाब में यही आया भाई वो नगर निगम की है नहीं और हुडा को कंट्रोल करना है। और हमने लेटर भी लिखा, प्रोसीडिंग का हवाला देके लेटर भी लिखे हुए हैं और उसकी कॉपी भी होगी हमारे ऑफिस में। ये हुडा को लिखा था हमने भी, आप वो चेकिंग चेक करवाइए किसकी है और कैसे चल रही है बिना किसी टेंडर के या जैसे भी है। तो पता नहीं कौन वहाँ पे चला रहा है कैसे चल रही है वो, लेकिन कंट्रोल तो होना चाहिए। मैं तो ये